अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ब्यूटीफुल लेडीज़ एंड ऑल द गर्ल्स हु आर वॉचिंग माई वीडियो. तो मैंने आज फाइनली पॉलिशर किया है. सुबह सुबह के भरपूर शोर के साथ आप लोगों को करते हैं वेलकम. वेरी गुड, बहुत अच्छा शोर मचाया आपने. इसी तरह गैस चेक की, गैस जब थी ही नहीं तो फिर मजबूरन इलेक्ट्रिक चूल्हे पे जो है वो मुझे चीज़ें बनानी पड़ती हैं. मैंने बना ली थी इलेक्ट्रिक चूल्हे पे चाय, वो भी इतने मज़े की, इस्त्री के स्टैंड पे. फिर हम इस्त्री के स्टैंड को ऐसा बना देंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं. हमारे घर में वैसे कोई आता तो नहीं है, लेकिन आज आया है एक मेहमान विच इज़ कवा. हेलो कवा, कैसे हैं आप? ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं आप अपनी, अकेले या लोगों के साथ या मेरी तरह? कवा नहीं भाई, इसने सुनना ही नहीं है. आ रही हूँ आज फ्राई अंडा और पराठा, और मैं ऑयल में कोई भी चीज़ नहीं बनाती, सारी चीज़ें मैं मक्खन में बनाती हूँ. ऑयल से जितना परहेज़ किया जाए उतना अच्छा है. तो अबू कर रहे हैं नाश्ता मक्खन और चीनी के साथ, और साथ में है चाय अंडा और पराठा. शो मार्केट. अब इस एग में हम डालेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल लिटिल नमक बस. अब बहुत यमी लगता है शो वाला. अबू को अगर पाउडर मिल्क की चाय बना के दो, अबू को बिल्कुल पसंद नहीं आती. और ये मिल्क भेजा था अम्मी ने और अबू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. मैं ऑल पर्स का दूध लाना भूल गई वापसी में, मैं ले आती लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा. मोनेटाइज होने के लिए हर चीज़ पूरी हो चुकी है, लेकिन मैं भूल गई कि मैंने अप्लाई नहीं किया. तो मैं अप्लाई तो कर लूँगी ख़ुद से, लेकिन मैं कुछ गलत कर दूँ तो नैना और शाहरुख को ज़्यादा पता है, तो इसलिए मैं आई हूँ नैना के घर. जल्दी जल्दी से बोलूँगी अप्लाई कर दे, फिर मैं भाग के अपने घर जाऊँगी और जल्दी जल्दी से रेडी हो जाऊँगी. तो पॉलिशर बनाने के लिए आपको इस तरह की चीज़ें दरकार होंगी. और कभी भी आप ब्लीच अपने हाथों से मिक्स ना किया करें, इट इज़ वेरी डेंजरस. आप जिस तरह से मैंने आपको प्लास्टिक की एक चीज़ दिखाई है उसी से मिक्स करें. क्यूनिका डिवेलपर लूँगी 20-20 ही आपकी स्किन के लिए कंफर्टेबल है. इससे ज़्यादा अपने हाथों और पैरों पे अप्लाई ना किया करें, ना ही लिया करें. 10 अपने फेस के लिए और 20 फॉर हैंड एंड फीट्स. देन हम लेंगे पाउडर मैजिक ब्लॉन्ड, ये भी क्यूने का लिया है मैंने, और आपने यही लेना है. गोल्डन पर्ल की भी मैंने ब्लीच देखी है मार्केट में, जॉलन की भी देखी है, लेकिन सबसे अच्छा रिजल्ट इसी का है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ. ट्रस्ट मी, आप ये पॉलिशर लगाइएगा आप सब भूल जाएंगे. और ये मैजिक इंग्रेडिएंट मैंने आप लोगों को बताया है, ये वाला गोल्डन पर्ल का जो सीरम है ये बहुत 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 अच्छा है. इसके 2-3 ड्रॉप्स इनफ होते हैं. आप इसको अपने लोशन में, अपने क्रीम्स में, किसी भी चीज़ में ऐड करके लगा सकते हैं. ये बूस्टर है बेसिकली, और ये पॉलिशर को बूस्ट करके आपकी स्किन के जो रंग है उसको 1 टोन लाइट करता है. एंड आई रियली लाइक्ड इट, मुझे ये बहुत अच्छा लगा. आप लोग ज़रूर बाय करके मुझे बताइएगा. एंड द फोर्थ इंग्रेडिएंट ये स्किन शाइनर, ये लेमन एक्सट्रैक्टेड है. ये आपकी स्किन में शाइन लेके आएगा और आपकी स्किन को ब्राइट करेगा. ये आप पॉलिशर के बाद कॉटन में लेके अपने पाँव पे अप्लाई कर सकते हो, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं. स्किन में ग्लो आता है इवन फॉर द फेस. ये गोल्डन गर्ल का है, ये मैंने चेज़अप से बाय किया था. आपको भी किसी अच्छे स्टोर से मिल जाएगा. चेज़अप से तो आपको ऑब्वियसली मिल ही जाएगा जब आप जाएंगे, चेज़अप में तो हर चीज़ अवेलेबल होती है. एंड द फिफ्थ इन्ग्रीडियंट इज दिस वाइटनिंग कैप्सूल. ये वाइटनिंग कैप्सूल आपको जो है 425 के मिलेंगे चेज़अप से, और ये भी आप अपने लोशन में, अपनी क्रीम्स में, किसी चीज़ में भी मिक्स करके लगा सकते हैं. ये मैं अपने पॉलिशर में ऐड करूँगी फॉर द इंस्टेंट वाइटनिंग रिजल्ट. ये पॉलिशर मैं किसी ओकेजन पे लगाती हूँ, मैं हर महीने नहीं करती. जैसे मैंने पिछली ईद पे किया था तो इस ईद पे किया. चलें जी पॉलिशर बनाते हैं. पहले हमने ऐड करनी है अपनी फेवरेट क्यूनिंग की क्रीम, जो कि इतनी मैं ऐड करूँगी जो मेरे गर्दन पे, बाजू पे, मेरे हाथों पे, मेरे पैरों पे आराम से अप्लाई हो जाए. उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मैजिक ब्लॉन्ड पाउडर. और पाउडर देख ले मैंने कितनी मिकदार में ऐड किया है. ये पाउडर ऑलरेडी क्रश्ड होता है, जो आप मार्केट से चीज़ें बाय करते हैं वो पाउडर क्रश्ड नहीं होते, बहुत मुश्किल होती है उनको मिक्स करने में. और जब वो आप अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं तो वो जगह जगह से फटते हैं और स्किन बर्न हो जाती है.
सो या मिक्स 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 करने के बाद इस तरह की जो है उसकी क्या कहते हैं, इस तरह का लगेगा, इतना क्रीमी और सारे ज़र्रात जो हैं वो इसमें मिक्स हो चुके हैं. देन आई विल ऐड द शाइनर. शाइनर ऐड कर दिया है मैंने इतना ताकि स्मूथ ब्लीच बने. उसके बाद जो है वो 3 to 4 ड्रॉप्स मैंने ऐड कर दिए हैं ये सीरम के और वाइटनिंग कैप्सूल के. फिर मैं इनको मिक्स कर लूँ. आप लोग मेरे पैरों की सूरत हाल चेक कर सकते हैं. लिटरली आई वॉज़ वेरी बिजी, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था अपने पैरों को देखने का. ये ईद से पहले के पाँव हैं तो मैंने कहा ईद पे ही इनका जो है वो मैं पेडिक्योर कर लूँगी विद दिस पॉलिशर. बिल्कुल बहुत बुरे हालात हुए हैं. और चलें जी अप्लाई करते हैं. अच्छा, मैंने नेल पेंट अप्लाई की हुई है, नहीं तो मैं वैसदीन लाजमी अपने नाखूनों पे अप्लाई करती हूँ क्योंकि ब्लीच से आपके नाखून डैमेज होते हैं. मेक श्योर आप पैरों पे नाखून पे वैसदीन ज़रूर अप्लाई कर लिया करें. नेल पेंट लगी हुई थी तो मैंने सोचा बचत हो गई. उसके बाद जो नेल्स वाला पार्ट है कहीं पॉलिशर अंदर ना चला जाए तो मैंने उसे अच्छे से क्लीन कर लिया था कॉटन पैड की मदद से. आपने कभी भी अपने नाखूनों पे ब्लीच लगी हुई नहीं छोड़नी या आपके नाखूनों को डैमेज करेगी, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए. दीज आर माई टिप्स गर्ल्स. ठीक है, उसके बाद मैंने ये वाली वैसलीन ओडोर की वैसलीन टाइप की एक जेली है वो बाय की है और ये मैं अपने हाथों के नेल्स पे अप्लाई कर लूँगी बिफोर अप्लाइंग द पॉलिशर. और ज़रूर आपने भी अप्लाई करनी है, बस अपने नेल्स पे आपने पॉलिशर को टच नहीं करना. इस तरह से अप्लाई कर लें जैसे आई एम शोइंग यू. फिर हम अपने हाथों पे बाजू पे आराम से अप्लाई कर लेंगे. पहले मैंने अपने हाथों पे अप्लाई किया ताकि मैं आप लोगों को रिजल्ट दिखा सकूं कि किस तरह का रिजल्ट है इस पॉलिशर का. हाथों पे मैंने मुश्किल से 5 मिनट से अप्लाई की है ब्लीच. मैंने 5 मिनट से ज़्यादा अप्लाई नहीं की क्योंकि हाथ ज़्यादा सूरज में एक्सपोज रहते हैं. तो देखें सिर्फ 5 मिनट का रिजल्ट कितना अच्छा है. हाथ कितने नीट एंड क्लीन और कितना डिफरेंट लग रहा है बाजू से मेरा हाथ. आप लिटरली हैरान हो जाएंगे जब आप इसको अप्लाई करेंगे, मुझे दुआएं देंगे. सो या दीज आर द होल थिंग. मतलब मेरे हाथ पैर आप लोग देख लें किस तरह से लग रहे हैं पॉलिश अप्लाई करने के बाद. इतने फेयर हो गए. तो शाहरुख ने मुझे मेरा चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करके दे दिया है, और मुझे अभी ये लोग पिक करने आए हैं. डॉल्फिन मॉल करेंगे ड्रॉप. मेकअप तो मैंने पहले ही कर लिया था, बस मैं बाल बनाऊंगी. तो मैंने बाल बनाए थे ऐसे. मैं हो गई हूँ रेडी. अब होते हैं एक्टिव जी. तो वो कहते हैं ना कि जब तक ठोकर ना लगी अकल ना आती. फूड पॉइजन के साथ साथ मैं ज़रा मिर्च मसाले वाला कुरकुरे भी खा रही हूँ. और मैंने लिया है लीची का ये क्योंकि दिल बड़ा चाह रहा था. और ये मेरा खाना है. प्लीज़ आप लोग हंसी अगे नहीं. सबा रोज़े रख लिए तो सबा मेरे साथ आज नहीं आई. कि मैंने थोड़ी सी अपने लिए बनाई थी चना चाट. और मेरे साथ आज आई है मेरी दोस्त बुशरा, जिनका ये खाना है. ये मुझसे भी 2 हाथ आगे है खाने के टाइम पर. इसलिए लोगों ने कभी भी चाट बनवानी हो तो मुझसे बनवाइएगा. मैं बहुत मज़े की चाट बनाती हूँ, दिखाती हूँ कैसे. ये मैंने चाट बनाई है. मेरा नाम है फरिया चाट वाली. कभी भी चाट बनाना हो तो मुझसे रब्ता ज़रूर कीजिएगा. चलें जी, अब 2 लेडीज़ मुझे रिव्यूज़ दे रही हैं. आप बताएं कि फरिया चाट वाली की चाट कैसी है. अच्छी है. अब आप बताएं. अच्छी है. चलिए जी, 2 लोगों ने बोला मज़े की. 9 बजने में आधा घंटा है और मैं आई हूँ ये खाने. ये खा के मैं फौरन फ्लोर पे चली जाऊंगी. मैं घर आ गई थी. अबू मेरे लिए इतना प्यारा सा लाए हैं कोट, इतना क्यूट क्यूट पिंक सा. तो मैं इसको पहन के दिखाती हूँ. और ये कोट दिखता है कुछ इस तरह का. मेरे लिए लाए हैं आज, ये देखें. ख़ास तौर पे मुझे इसके स्लीव्स पसंद आए हैं और इतने प्यारे प्यारे से लग रहे हैं. मैंने मुझे लाई है इस प्यारी सी जगह पे. हम शाहरुख के बर्थडे का ढूंढ रहे हैं और मुझे ये इतनी अच्छी लगी है, इतनी प्यारी लगी है. इतना प्यारा है यहाँ पे सब कुछ. बहुत प्यारा, जैसे कोई गांव हो या किसी का घर हो. पता नहीं, मेरा दिल आ गया इस जगह पे. ये कितना प्यारा है. मेरी ढोलना सुन. मौंजलिका भी यहाँ से निकलेगी शादी. तो पता नहीं मुझे छोटी छोटी चीज़ें क्यों नज़र आती है. ये इतनी छोटी है, मेरे हाथ से भी ज़्यादा छोटी है. और ये इतनी छोटी, आपको बेशक बड़ी लग रही होगी लेकिन ये बहुत छोटी छोटी है. नैना के हाथ से भी छोटी है ये. तो मुझे इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी. मैं, आप लोग कहते हैं कि आप पानी कम पीती हैं, तो मैं पानी भी सही पीती हूँ. लेकिन पता नहीं क्या मुसीबत हो गई कि इचिंग इतनी हो गई है कि. तो मैं अभी गई थी इमीस और उन्होंने दे दिया है मुझे ये. व्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड. मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में.